विराट कोहली नहीं तो फिर उनकी जगह पर कौन? सरफराज खान, रजत पाटीदार या फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा या रिंकू सिंह? वेल, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 25 जनवरी से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है क्योंकि इंग्लैंड का बैचबॉल का जो गाना है वो काफी ज्यादा कानों में शोर मचा रहा है और इंग्लैंड काफी कॉन्फिडेंट के साथ आ रही है। लेकिन जब हैरी ब्रूक वहां नहीं है, मोहम्मद शमी हमारे पास नहीं है और इंडिया व्हाइट वॉश करने के इरादे से उतरने वाली है, तब ये खबर आती है कि विराट कोहली शुरुआत के 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। आपको याद होगा विराट कोहली अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां पर भी नहीं गए थे और तब भी काफी शोर उठा था कि विराट क्यों नहीं, क्योंकि शुरुआत में खबर है कि विराट जा रहे हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि विराट कोहली शुरुआत के 2 मैचेस में किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं जा पा रहे। वो पर्सनल रीजन क्या है वो किसी को नहीं पता। उसी पर्सनल रीजन की वजह से शायद विराट कोहली और अनुष्का यहां पर भी नहीं पहुंचे थे और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। सिर्फ इतना पता लगा कि विराट ने बीसीसीआई, रोहित शर्मा और सेलेक्टर्स को कहा कि वो हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट कराते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। और इसी के बाद सवाल हो गया कि सरफराज खान, रजत पाटीदार, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे या रिंकू। अब इस पैरामीटर की कहानी है कि अगर आप एक्सपीरियंस पे जाओगे तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस पे सबसे पहला हक बनता है चेतेश्वर पुजारा का। पुजारा इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में बैकबोन रहे हैं, हाल फिलहाल में 2 शतक मारा है, 20,000 रन जो हैं फर्स्ट क्लास में पूरे किए, तो पुजारा के पास ऑप्शन बहुत अच्छा है। लेकिन पुजारा के साथ डिसएडवांटेज ये है कि उनकी उम्र 36-37 साल है, हालांकि उतनी उम्र तो रोहित शर्मा विराट कोहली की भी है, लेकिन विराट और रोहित दोनों स्तंभ माने जाते हैं इसलिए उन पर क्वेश्चन नहीं होते हैं। बाकी जो खिलाड़ी थे, शिखर धवन या फिर रहाणे या फिर पुजारा, वो उस कैटेगरी में नहीं है जहां पर विराट और रोहित है, इसलिए शायद उनको लेकर पैमाने अलग अलग होते हैं और ये पुजारा के डिसएडवांटेज में आ सकता है अगर पुजारा का सिलेक्शन नहीं होता है। पुजारा सेलेक्ट होंगे सबको खुशी होनी चाहिए, नहीं होंगे तो फिर कहानी अलग है। दूसरा नाम जो मेरे हिसाब से निकल कर आ रहा है वो आ रहा है रजत पाटीदार का। रजत पाटीदार का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि रजत पाटीदार ने हाल फिलहाल में अहमदाबाद में इंग्लैंड ए के सामने 151 रन की पारी खेली और इस मैच में सरफराज खान सिर्फ 4 रन बना पाए थे। हालांकि सेकेंड इनिंग में सरफराज ने 8 शतक मारा, तब रजत पाटीदार 4-5 रन बना पाए थे। लेकिन इन दोनों को लेकर भी काफी चर्चा चली क्योंकि प्रैक्टिस मैच में भी रजत पाटीदार ने 1 शतक मारा, प्रैक्टिस मैच के बाद जो फर्स्ट मैच हुआ उसमें भी 1 शतक मारा, ही इज अ विकेट कीपर ऑल्सो, सो कंपेरेटिवली उनकी चांसेस बहुत ज्यादा है और उनको लेकर चर्चाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा चल रही हैं कि रजत पाटीदार को मिला। ध्रुव जुरेल को मौका मिलने की बात चल रही है। ध्रुव जुरेल यार 19 मैचों में 790 रन बनाए जो ठीक ठाक है, लेकिन उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जितना होना चाहिए और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पाटीदार और सरफराज को लेकर मेरी गट फीलिंग है कि ज्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह है पुजारा को थोड़ा सा वो ओल्ड एज ग्रुप में डाल रहे हैं कि किसी नए प्लेयर में इन्वेस्ट करें जो लंबा खेल कर जाए और वैसे भी टीम जो है नई बन रही है। हालांकि इस टीम में अगर एक्सपीरियंस डाल दिया जाएगा तो भी मेरे हिसाब से बुरा ऑप्शन नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे नए प्लेयर हैं। शुभमन गिल नए हैं, राहुल को भी अभी बहुत स्टैब्लिश नहीं हुए टेस्ट क्रिकेट में, श्रेयस अय्यर को स्टैब्लिश होना है, यशस्वी जायसवाल नए हैं, तो उसमें अगर एक और प्लेयर ऐड हो जाता है जो एक्सपीरियंस वाला तो वो कमाल का होगा। लेकिन सरफराज को लेकर भी चर्चाएं उतनी तेज हैं और सरफराज के बारे में बात चल रही है। सरफराज का बनता है इसलिए क्योंकि सरफराज ने 2-3 ईयर में लगातार बैक टू बैक रन बनाए और बहुत रन बनाए, बहुत ज्यादा रन बनाए, ऐसे में उनको लेकर भी सिलेक्शन की जो बात है वो बेमानी नहीं है। सरफराज को कई बार पहले मौका मिलना चाहिए था, अब क्यों नहीं दिया गया ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। रजत पाटीदार का इसलिए बनता है, रजत पाटीदार ने इंग्लैंड लायंस के सामने पहले प्रैक्टिस में 111 देन 151 मारे, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा उनका स्ट्रांग जोन हो रहा है कि शायद पहली प्रायोरिटी नहीं मिल जाए। लेकिन सरफराज नेवरलेस, और सरफराज ने सेकेंड इनिंग में 54 रन बनाए थे जब बाकी संघर्ष कर रहे थे, रजत पाटीदार 4 बनाकर आउट हुए थे, तो इन दोनों को लेकर चर्चाएं भी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जो कुछ और नाम भी चल रहे हैं उनमें एक नाम रिंकू सिंह का है। रिंकू सिंह ने हाल फिलहाल में कई जगहों पर परफॉर्म किया है और जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, उनको लेकर भी चल रहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भी कमाल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनसे भी काफी अपेक्षाएं जो हैं वो की जा रही हैं। अजिंक्य रहाणे जिन्हें बाहर कर दिया गया टेस्ट से, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें मौका मिलेगा तो वो भी शानदार करेंगे। ध्रुव जुरेल एक विकेट कीपर के तौर पर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जिन 3 खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा बनता है उनमें से एक नाम है चेतेश्वर पुजारा का,
दूसरा नाम है सरफराज खान का, तीसरा नाम है रजत पाटीदार का। रजत पाटीदार को लाने का आपका एडवांटेज ये होगा कि विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर आप खिला सकते हैं। हालांकि विराट की गैर मौजूदगी में टीम में बाकी प्लेयर भी हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है शायद इनमें से किसी को मौका ना मिले और जो ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर थे उन्हीं में से कोई प्लेयर जो है वो टीम में खेल ले। लेकिन आपकी नजर में वो कौन सा खिलाड़ी है, सरफराज खान, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा या फिर रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, जिसे आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम अगर इस खिलाड़ी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये खिलाड़ी हमें परफॉर्म करके दे जाएगा, कौन सा वो प्लेयर है जो आपको लगता है कि किसका बनता है? मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस पर बनता है पुजारा जी का, रहाणे के ऊपर मैं उन्हें प्रायोरिटी दूंगा, रजत पाटीदार का प्रैक्टिकली बनता है परफॉर्मेंस देखकर, सरफराज का इमोशनली बनता है बैक परफॉर्मेंस देखकर, और रिंकू तो सदाबहार खिलाड़ी है, उनको आप कहीं फिट कर सकते हैं। आपका फेवरेट